प्रॉन्स का मीट ना सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। हेड अलग करते हैं। पीस ट्राई करते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा है। तारीफ बहुत सुन रही थी बंगाली फूड की। ये है चिकन कोशा, ये है पॉम्फ्रेट फ्राई। हेलो गाइस, दिस इज अजय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो होने वाला है बंगाली फूड के ऊपर, तो लेते हैं खाने के मजे विद अजय और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं अपनी कोक के साथ। आज इतना कुछ ऑर्डर कर लिया है कि टेबल पे रखने की जगह नहीं है, तो फिलहाल इन लूची को साइड करते हैं। ये है पॉम्फ्रेट फ्राई, इसे टेस्ट करते हैं। ओ भाई, ये देखिए ये ग्रीन चटनी दे रखी है इन्होंने। एक ये येलो चटनी दे रखी है इन्होंने। ये देखिए मस्टर्ड सॉस जैसा लग रहा है, देखते हैं। वही मस्टर्ड सॉस ही टाइप का है। बट ग्रीन वाली चटनी बहुत बेहतरीन हो रही है। और हाँ, मैं फर्स्ट टाइम बंगाली फूड ट्राई कर रहा हूँ। बट मुझे लग रहा है मैंने कम मंगा दिए, एक और मंगानी चाहिए थी। बहुत ही गजब टेस्ट आ रहा है। सीरियसली इतनी गजब हो रही थी ना, बहुत यूनिक फ्लेवर्स आ रहे थे इसमें से, मजा आ गया। तो अब टेस्ट करते हैं। ये है लूची, आप लोग जानते ही हैं, बहुत ज्यादा गजब होती है। इसे टेस्ट करते हैं चिकन कोशा के साथ। ये भी एक बंगाली डिश है, देखते हैं कैसा होता है। बहुत ज्यादा बंगाली वीडियोज में मैंने इसकी तारीफ सुनी है। ये देखिए थिक ग्रेवी है काफी इसकी, देखते हैं कैसा होता है। बहुत ज्यादा बेहतरीन। सीरियसली ऐसा चिकन मैंने आज तक नहीं खाया है।
सीरियसली बहुत ज़्यादा गजब हो रहा है। ऐसा चिकन मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया है, और लूची इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा दे रही है। आप टेस्ट करते हैं माछ आलू झोल, देखते हैं कैसा होता है ये। इसमें बड़े बड़े से आलू भी डाले हुए हैं। बड़ी बाइट लेते हैं। ये आलू का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा गजब आ रहा है। जितने भी फ्लेवर इस फिश को पकाने में यूज़ हुए हैं वो सारे इसने एब्जॉर्ब कर लिए हैं, और सीरियसली बहुत गजब टेस्ट आ रहा है उसका। ये देखिए कुछ ऐसा है ये। तारीफ बहुत सुन रखी थी बंगाली फूड की, अब पता चला इतनी तारीफें होती ही क्यों थी। पीस ट्राई करते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत बेहतरीन फ्लेवर्स, इसमें कांटा है ही नहीं। वैसे ये फिश मैंने फिश फ्राई समझ के ऑर्डर करी थी, ये ग्रेवी वाली आ गई है, बट टेस्ट बहुत ज़्यादा गजब हो रहा है। ये है प्रॉन्स मलाई करी, देखते हैं कैसी होती है। कोरमे की तरह टेस्ट आ रहा है इसका। बड़ी वाइट सरसों का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें से, और सरसों वाली मच्छी मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में जब मच्छी बनाते हैं तो उसमें लेमन ही यूज़ करते हैं। ग्रेवी तो बहुत ज़्यादा गज़ब हो रही है। ये देखिए ये प्रॉन्स हैं, बट इन्होंने प्रॉन्स साफ करके नहीं दिया है, इसमें उसका शेल भी है। पहले हेड अलग करते हैं। प्रॉन्स का मीट ना सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। अगर आपने टेस्ट नहीं किया तो ज़रूर टेस्ट करना, बट इसे साफ करना पड़ रहा है। ओ भाई, ये देखिए वैसे ऐसे मिलते हैं प्रॉन्स, चटनी के साथ ट्राई करेंगे। मन कर रहा सारे खा जाऊं एक ही बार में। बेहतरीन, थोड़ा क्रीमी और मस्टर्ड का बहुत ज़्यादा गजब फ्लेवर आ रहा है इसमें। तो गाइस शॉर्ट आउट का टाइम आ चुका है, मेरी लास्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट था इनका, और जो बेस्ट कमेंट्स होंगे वो मैं स्क्रीन पर डालूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, अपना सपोर्ट ऐसा ही बनाए रखना। आप फिनिश करते हैं चिकन कोशा को, बहुत गजब हो रहा है सीरियसली।
ये आप जरूर ट्राई करना, बहुत डिफरेंट फ्लेवर है। सीरियसली बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका। अगर आप नॉर्मली यहाँ का चिकन खा खा के बोर हो गए हो तो सीरियसली बहुत गजब ऑप्शन है, बहुत बढ़िया फ्लेवर्स हैं इसके। आप खाते हैं माछ आलू करी। आलू का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसके साथ। मुझे लगा था मछली बोनलेस ही होगी। मुझे पता नहीं है मछली कौन सी है, बस काफी टेस्टी हो रही है। गाइस सीरियसली ये मच्छी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। अब खाते हैं माछ झोल, देखते हैं कैसा होता है ये। ना मेरे को अपने घर की कड़ी वाली मच्छी की याद दिला रहा है। ये दिख कड़ी जैसा रहा है पर कड़ी नहीं है, ये वही सरसों का फ्लेवर आ रहा है इसमें से। बहुत ज़्यादा बेहतरीन। ये मछली दूसरी है जो हमने इससे पहले खाई थी, वो मछली दूसरी थी, ये दूसरी है। इसका बहुत गजब टेस्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन। बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो रहा है माछ झोल, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा नए फ्लेवर्स हैं और मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं। और जो इसमें मस्टर्ड का टेस्ट आ रहा है ना, कसम से मज़ा आ जा रहा है। ये थोड़ी स्पाइसी है। अच्छा हो मैंने हरी मिर्च साइड कर दी। मज़ा आ गया,
बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी ये। तो आप फिनिश करते हैं प्रॉन्स को, सबसे बेस्ट मेरे को आज यही लगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है बट हो बड़े टेस्टी रहे। अरे हाय, निकल गया आखिरकार। ये देखिए, सीरियसली प्रॉन्स बहुत ज़्यादा गज़ब हो रहे थे, और अब मैं फ्यूचर में भी इन्हें मंगाने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि बेस्ट प्रॉन्स कहाँ मिलते हैं देहरादून में। सो गाइज, अब खाते हैं वो जिसके बिना बंगाली फूड अधूरा है, रसगुल्ला। देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए, ये मैंने आनंदन से मंगा रखे हैं और सीरियसली बहुत ज़्यादा गजब टेस्ट हो रहा है इनका। आप खाते हैं गुलाब जामुन। ये देखो, इलायची का बहुत गजब टेस्ट आ रहा है इसमें से। सीरियसली मज़ा आ गया, और खाने के बाद स्वीट डिश का मज़ा ही अलग है। गाइस सीरियसली बंगाली फूड बहुत ज़्यादा गज़ब हो रहा था, आप ज़रूर ट्राई करना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।